हेलो फ्रेंड्स, अंकिता किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं बिना तेल की दाल पालक की सब्जी कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें लिया है एक पालक की जो गांठ आती है वो पूरी, हमने इसको साफ करके वॉश करके इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये देखिए, और उसके बाद हमने ली है थोड़ी सी ये दाल। दाल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मिक्स लेना चाहे तो मिक्स की ले सकते हैं, और अगर मूंग की दाल में आप बनाना चाहें तो मूंग की दाल में भी बना सकते हैं। ये हमने लिया है एक लहसुन की गांठ जिसको छील कर हमने बिल्कुल धो लिया है इसको। तो अब हम इसका लहसुन का पहले पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हम लहसुन को बारीक पीस, हमारा लहसुन पीस के तैयार हो चुका है। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले पानी। पानी आप इसमें, फ्रेंड्स मैंने करीबन इसमें 1.5 गिलास पानी लिया है। आप इसमें पानी कम ज्यादा, आप जैसे भी सब्जी खाना चाहें पतली या गाढ़ी, उस अकॉर्डिंग आप अपना इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ये जो दाल हमने धोकर भिगोकर रखी थी, सबसे पहले ये ऐड करेंगे। आप इस तरह से एक बार सब्जी बनाकर खाइएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये ऑयल फ्री सब्जी है। अब इसमें डालेंगे हम पालक जो काट कर हमने तैयार करके रखा था। अगर हम इसमें पहले पालक डाल देंगे तो हमारी जो दाल है वो अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो पाएगी। अब हम इसमें डालेंगे ये जो लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया था, ये डाल देते हैं हम। मैंने इसको हाथ से ही डाला है, आप इसको चम्मच से डालिएगा। अब एक बार हम इसे हिला देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हम बिल्कुल सादा और सिंपल सब्जी बना रहे हैं बिना ऑयल फ्री, तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। कुछ लोग हरी सब्जियों में हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है करीब 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिला देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए। Thank you.
सीटी आने तक कुकर का बंद करके इस तरह से पकाएंगे। तेज गैस में हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, तो आइए देखते हैं हम दाल पलक की सब्जी किस तरह तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। अच्छे से दाल और पालक इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिये से दाल पालक की सब्जी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से एक बार बनाकर खाइएगा। जो ऑयल फ्री सब्जी खाना पसंद करते हैं दाल पालक की, वो इसे बनाकर खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, एक बार बनाकर खाइएगा फ्रेंड्स। हमने इसमें हरा धनिया मिक्स कर दिया है। अब ये हमारी सब्जी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।